नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है डीलिंग विथ इमोशंस के ऊपर मैं जानती हूँ आप में से कई ऐसे लोग हैं जो फील करते हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ या मैं क्या करूँ जिससे मेरी लाइफ बेटर हो कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम इमोशंस के अंदर इतने खो जाते हैं कि हम जिंदगी के मायने भूल जाते हैं हम भूल जाते हैं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ और आज के जो हमारे स्पीकर हैं वो भी आपके साथ है हम आज बात करेंगे कि डिप्रेशन जो कि एक ऐसी बीमारी है जो कहीं ना कहीं हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है उससे हमेशा के लिए कैसे आज़ादी पाई जाए इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं राजीव भाई जी जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है और साथ ही साथ एक साइंस रिसर्चर भी है तो ये बहुत ही सही व्यक्ति है जो आपको गाइड कर पाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी सैड फील कर रहे हैं या फिर आप डिप्रेशन में हैं तो आइए उनसे बातें करते हैं ओम शांति ब्रदर तो खुशी हम सभी चाहते हैं हम हेल्थ चाहते हैं हम जिंदगी में सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है ब्रदर कि हमारा शरीर हमारी सोल सोल से ज़्यादा मैं कहूँ हमारे इमोशंस या फिर हमारी फीलिंग्स हमारा साथ नहीं दे पाते तो हम दुनिया से तो लड़ते ही हैं खुद के साथ भी लड़ रहे होते हैं क्यों क्योंकि हमें लगता है कि हम खुद को ही समझ नहीं पा रहे हैं कई बार हमें लगता है कि हमें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है हमारे अंदर में हमें पता ही नहीं होता ऐसे सिचुएशन में डिप्रेशन ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी जिंदगी में आ जाती है ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ ब्रदर कि कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच में इसके बारे में आपका क्या टेक है ब्रदर आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा क्योंकि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि कुछ बहुत ही बड़ी प्रोफेशनल इस प्रकार की चीज़ें हैं या पता नहीं दोनों एक एक कि अलग अलग हैं जी तो जो साइकट्रिस्ट होते हैं वो एक बिल्कुल प्रॉपर एमबीबीएस डॉक्टर होता है अच्छा लोग जब एम करते हैं तो साढ़े पाँच वर्ष का कोर्स होता है जी। और तीन साल वो स्पेशली एक फील्ड में साइकेट्री के फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं ओके। तो ये प्रॉपर डॉक्टर होते हैं जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं और जो साइकोलॉजिस्ट होता है या साइकोलॉजिस्ट होता है जो वो उसने तीन साल की ग्रेजुएशन डिग्री की रहती है बी या बी ए कर और उसके बाद उसने मास्टर्स किए रहते हैं और आगे जाके उसने पीएचडी करके डिग्री ली होती है जी। लेकिन वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है अच्छा ये पहला स्ट्राइकिंग डिफरेंस कि साइकेट्रिस्ट जो होता है वो माइंड से ज्यादा जो ब्रेन बॉडी केमिकल्स उससे कंसर्न है लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट है वो माइंड को ट्रीट करने के लिए क्या क्या थेरेपीज हैं फॉर एग्जांपल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो वो दो चीज़ों पे फोकस रहेगा कि मानसिक बीमारियों को कैसे डिटेक्ट किया जाए एक माइंड स्पेसिफिक ज़्यादा काम कर रहा है और एक ब्रेन और बॉडी स्पेसिफिक ज़्यादा काम कर रहा है राइट। एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है दूसरा मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं, नहीं कर, कर, सकता। कर सकता है ये एक स्ट्राइकिंग डिफरेंस हुआ साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में और दूसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि साइकेट्रिस्ट तो ठीक है लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो थेरेपीज पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं राइट right. जैसे कि एक फेमस शब्द जो है हम सब जानते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट राइट ये वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिनका स्पेशलाइजेशन ही होता है बीमारियों को परखने में राइट right. क्योंकि बीमारियों की काफी वैरायटी है Absolutely. और आ, ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं है ना जिसमें डी एस ऐसे बहुत सारे मैनुअल्स भी आते हैं जो सारे बीमारियों को कैटेगराइज किया गया है hmm. तो यहाँ तक देखा गया है कि कई बार जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जिनका काम ही है सिर्फ बीमारियों को परखना जी पहले लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं कि बीमारी को परखे जी और फिर जो है वो मेडिसिन लेने के लिए साइकेट्रिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं और यूजली देखा जाए तो कई लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कब हम साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और कब हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं देखिए तो साइकोलॉजिस्ट के अलावा कुछ काउंसलर्स भी होते हैं जिन्होंने प्रोफेशनल्स डिग्री ली रहती है वो भी कही कहीं ना कहीं थेरेपीज़ को यूज़ करती हैं ऐसे कुछ थेरेपीज़ हैं जो लोगों को डिप्रेशन और एनजाइटी से बाहर बाहर लाती हैं जी एग्ज़ाम्पल के तौर पर अब इंडिया में क्या होता है मतलब हमारे देश में प्राय कि जब भी किसी को ऐसे डिप्रेशन या ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं ना तो वो नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं hmm. तो अगर डॉक्टर समझदार है तो कंसल्ट कर देगा कि आप किसके पास जाइए राइट साइकेट्रिस्ट के पास जाइए right. वो समझ जाता है बट कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं ऐसा भी होता है hmm. हम, हमारे हमारे यहाँ पे ऐसा होता है और कई बार लोग ऐसे होते हैं लोग कई बार वेस्टर्न कल्चर में भी लोग बड़े सूझबूझ से काम करते हैं कि अगर डिप्रेशन बहुत एक्सट्रीम लेवल का है तब डेफिनेटली आपके पास एक ही ऑप्शन है आपको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा क्योंकि वो केमिकल लेवल का प्रॉब्लम है केमिकल right. लेवल का प्रॉब्लम केमिकल से ही ठीक होगा काउंसलिंग उस समय काम Work नहीं करेगा बट कर right. अगर लगता है कि बहुत माइल्ड लेवल का है right. और थॉट uh, पैटर्न में कहीं ना कहीं इश्यूज है right. तो अगर उस लेवल का है तब हम Uh, साइकोलॉजिस्ट और वो भी देखिए हम तीन श्रेणी में डिवाइड करते हैं जैसे जी. हमने बताया कि डिप्रेशन तीन श्रेणी में आमतौर पर डिवाइड किया जाता है अगर मान लीजिए डिप्रेशन बहुत ही सीवियर लेवल का है जी तब तो डेफिनेटली यू हैव टू गो टू साइकेट्रिस्ट उस समय साइकोलॉजिस्ट या तो काउंसलर मैं दोनों शब्द यूज कर रहा हूँ ये ये एक्टिविटी हेल्प नहीं करेगी right. अगर मान लीजिए मॉडरेट लेवल का है तो उसमें साइकेट्रिस्ट भी चाहिए और साइकोलॉजिस्ट की भी आवश्यकता हो सकती है जी. और अगर माइल्ड लेवल का है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं काउंसलर जो जिनके पास पाँच साल या ऐसे अच्छे एक्सपीरियंसिस हो काउंसलर्स के पास जाए और आजकल तो ऐसा हो गया है कि अगर हम हेजिटेंट फील भी करते हैं तो भी जूम पे भी आ सकते हैं राइट right. क्योंकि हमें डर रहता है कि लोग हमें जज करेंगे राइट right. तो इस प्रकार साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में दो मतलब इस प्रकार के डिफरेंसेस हैं जो हमें समझना होगा बिल्कुल पता तो है जब हम बात करते हैं गोल्स की hmm. देखिए हमारी लाइफ का सबसे बड़ा गोल क्या है अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप क्या बोलेंगे देखिए यहाँ पे जैसे हमें स्पिरिचुअलिटी हमें ये बताते हैं कि हम यहाँ पे सृष्टि रूपी रंगमंच पर आए हैं टू इंजॉय इंडिपेंडेंटली वाओ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्रदर अगर हम गोल्स की बात करें तो गोल्स जो होते हैं वो हमें लाइफ को डिफाइन करते हैं इस दुनिया में हम जो आए हैं इसका सबसे बड़ा गोल क्या है आपके हिसाब से इस दुनिया का देखिए अध्यात्म हमें ये बताता है कि

लेकिन फिर बाद में क्या हुआ इंजॉय इंडिपेंडेंटली के बदले हमारा जो इंजॉयमेंट जो आनंद का स्वरूप था ना वो दूसरों पे आश्रित हो 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 गया okay, हो गया okay. हो गया डिपेंडेंट डिपेंडेंट एंड डिप्रेशन का भी देखिए इसके साथ गहरा कनेक्शन है जी। हम अपने सेल्फ वर्थ को दूसरों पे आश्रित मानते हैं मतलब जैसे कि उनको लगता है कि मेरी वैल्यू कुछ है ही नहीं मेरी वैल्यू तभी है जब आप मुझे अप्रिशिएट करें ओके okay. या आप मुझे उसको एक्नोलेज करेंगे तब मुझे अच्छा। मेरी वैल्यू है तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम ये हो जाता था कई बार लोग क्या होता है कि हमारे पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं mm -hmm. तो हमको लगता है कि इन, इनका हमसे बहुत प्यार है राइट बट कई बार वो प्यार नहीं होता है वो डिपेंडेंसी वो डिपेंडेंसी होता है क्योंकि सामने वाले में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो उसको लगता है कि मैं इनपे आश्रित रहकर सिक्योर रह, रह पाऊंगी okay. और इतना ही नहीं की थिंकिंग लेवल पे इतना आ जाता है कि वो उस संबंधों को इतने जोर से पकड़ते हैं right. कि सामने वाला भी अनकंफर्टेबल महसूस करता है तो कोई ज्यादा ही डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है right. अगर सामने वाला उसको ठुकरा देता है right. किसी कारण से दूसरों को भी वैसे ही पकड़ते हैं so तो पूरा अपना सेल्फ वर्थ चला जाता है वो दूसरों पर आश्रित रखते हैं right. जबकि हर एक आत्मा का जो हमें आध्यात्मिक बताता है जी. कि हर एक आत्मा जो है ना अपने आप में यूनिक है तो हमें वर्थ की तलाश दूसरों में नहीं करना चाहिए right. आत्मा मूल्यवान है हम जजमेंट ना करें कंपैरिजन ना करें right. तो हमारी वर्थ जो है इतनी यूनिक कहते हैं कि हमारा फिंगरप्रिंट हमारा डीएनए और बालों का भी बताते हैं काफी यूनिक होता है, होता है।, है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे हर एक आत्मा यूनिक है एंड एवरीबडी इज ब्यूटिफुल राइट तो फॉगेट अबाउट आई नो वरिंग अबाउट अबाउट वर्थ कि मेरी right. वर्थ आप मुझे मेरी वर्थ की क्योंकि डिप्रेशन का एक मेजर रीजन जो होता है ना कि व्यक्ति समझता है कि मेरा जीवन निरर्थक है किसी काम का नहीं है मैं किसी लायक नहीं हूँ मैं बिल्कुल right. बताते हैं कि मैं व्यर्थ हूँ yes. तो अगर देखा जाए इंटरेस्टिंगली अगर हम बात करें इसकी टॉपिक के बारे में तो डिप्रेशन के सिम्टम्स में भी ना दो इंटरेस्टिंग सिम्टम्स होते हैं जी। एक तो ये होता है ये हमारे दर्शकों को भी काम में आ सकता है परखने में कि मान लीजिए हमारे कोई फैमिली मेम्बर्स हैं कैसे हम परखें इस टॉपिक पे मैं आता हूँ तो एक ये होता है बॉडली माइंड uh, में जो सिम्टम्स जो दिखते हैं एक जो मैंने बताया कि वर्थलेसनेस की मेरी पूरी जीवन बेकार है right. और वो इतनी एक्सट्रीम पे चले जाती है कि सुसाइडल रूप धारण कर लेती right. है तो किसी को अगर सुसाइड के अगर थाट्स uh, आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो सुसाइड करना चाहता है केमिकल hmm. लेवल इतने डाउन हो चुके हैं yeah. इसीलिए ऐसे सं, संकल्प आते हैं right. और दूसरा जैसे हमने बताया कि होपलेसनेस हेल्पलेसनेस yeah. yeah. ये तो बनी रहती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो दिखना चालू हो जाता है कि जो हम अभी आनंद की बात कर रहे थे जी। कि जो भी प्लेजरेबल एक्टिविटी होती है उसमें उनका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है ओके। मतलब जो चीजों में कोई, आता आता। कोई रुचि नहीं आती और मेरा मूड बहुत लो होता है बिल्कुल ये हुए माइंड रिलेटेड सिम्टम्स और भी दो तीन चीजें अगर हमारे दर्शक याद कर सके ना तो परख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे केमिकल इम्बेलेंस हुआ है तो उसमें क्या होता है नींद हमारी जो है इफेक्ट हो जाती है या, या तो नींद बहुत देर से आती है या तो आती ही नहीं है या तो अगर आ भी जाती है तो बीच बीच में टूट जाती है और या तो बिफोर टाइम हम उठ जाते हैं

खास करके सैड फील कर रहे हैं या डिप्रेस फील कर रहे हैं दे आर वेरी इनोसेंट उनको कुछ पता नहीं है कि क्या वो गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से वो वैसा फील कर रहे हैं और वो इनोसेंस में आकर वो उसे एक टैग दे देते हैं कि आई एम फीलिंग डिप्रेस तो वो इनोसेंस को हमें रखते हुए भी हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंट भी बनने की ज़रूरत है हमें हमारे ई के साथ में हमारे आई पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम जज कर पाए कि क्या हो रहा है मेरे साथ एग्जैक्टली exactly? क्या ऐसी चीज है जो मैं गलत कर रही हूँ सिंपल सी बात है अगर आप सात आठ बजे नौ बजे रात को चाय या कॉफी लेंगे ऑटोमेटिकली आपको तीन चार पाँच बजे तक नींद नहीं आएगी सो इट्स दैट सिंपल तो मैं यही अपने दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि ये मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ तो ऐसे नहीं कि एक दो सिम्टम पाए तो हम अपने आप को समझे right. रहे, मुझे ये पहले से मैं डिस्कलेमर दे रहा हूँ राइट right. ताकि ऐसे ना समझे जी तो एक तो नींद जो है डिस्टर्बेंस नींद में दूसरा या तो भूख बहुत ज्यादा लगेगी या भूख लगेगी, लगेगी ही नहीं।, नहीं तो वेट गेन और वेट लॉस जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है और तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि हर छोटे छोटे काम में उनको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस है क्यों क्योंकि वो क्यों, मैंटली थक रहे मतलब मेंटली थके हुए हैं तो मुझे आश्चर्य लगता था कि जब ऐसे लोगों के साथ शुरू के दिनों में हम काम कर रहे थे तो जब भी कोई टास्क दिया जाता था उनके लिए टास्क राय का उपहार लगता था yeah. तो हमको लगता था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है हम समझ नहीं पाते थे बाद में मालूम पड़ा कि दे आर शोइंग सम ऑफ द डिप्रेसिव सिम्टम्स तो ऐसे बहुत सारे साइकेट्रिक स्केल भी यूज़ करते हैं पी एच क्यू नाइन ऐसे बहुत सारे स्केल हैं तो इसमें चार पाँच क्वेश्चन होते हैं तो साइकेट्रिज भी जब आप मिलेंगे तो उसे यही क्वेश्चन पूछते हैं पहले बॉडली सिम्टम्स पूछ देते हैं hmm. नींद आती है hmm. डाइट के बारे में क्या है और क्या थकावट महसूस करते हैं क्या किसी चीज में इंटरेस्ट आता है कि नहीं आता है कि बिल्कुल किसी चीज में मन नहीं लगता है राइट right. और क्या लाइफ में लगता है कि वर्थलेस है तो ऐसे चार पांच क्वेश्चन से तुरंत ट्रैप में आ जाते हैं कि हाँ ये डिप्रेशन के सिम्टम्स है कि नहीं right. लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट अगर ये सिम्टम्स लगभग कम से कम दो हफ्ते तक सस्टेन रहते हैं तब इसे हम कहीं ना कहीं वो शंका मिलाएंगे कि हाँ ये डिप्रेशन का सिम्टम्स है पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी में ऐसे नहीं कि एक दो दिन मान लीजिए मेरा अभी हमने कहा तो हमने देखा कि अरे मैं तो ओवर वेट हो गया हूँ या मेरी दो दिन से नींद नहीं आ रही है तो राजीव भाई जी कह रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डिप्रेशन आ डिप्रेशन ऐसे नहीं ये इस हिसाब से हम उसको नहीं लेंगे बिल्कुल एक और बात जब हम बात करते हैं गोल्स की कई बार ऐसा होता है कि गोल्स हमें मोटिवेट करते हैं कुछ लोगों के लिए वो जिंदगी का लक्ष्य होता है कि भाई ये मुझे मोटिवेशन देता है यही मुझे जीने का मौका देता है यही मुझे जीने का रीजन देता है गोल कुछ लोगों के लिए वही चीज़ वही गोल डीमोटिवेट करता है वही आपको डिप्रेस्ड फील कराता है वही गोल आपको ऐसा फील कराता है कि आप वर्दी नहीं हो दोनों ही सिचुएशंस में अगर आप ओवर मोटिवेटेड हैं तो भी आप एक तरीके से मैं कहूँगी कि साइकेट्रिक ये और आगे बढ़ रहा है क्योंकि कई बार आप इतना उस चीज़ को बढ़ा दत दे देते हैं कि आप वो अचीव नहीं होता तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाती है बिल्कुल और उसी तरीके से डीमोटिवेट जो लोगों को करता है वो क्यों करता है क्योंकि उनको लगता है कि आप इस ये अगर नहीं अचीव हुआ तो मुझे मेरी लाइफ बोर नहीं है तो दोनों ही सिचुएशन में साइंस के हिसाब से बिकॉज़ यू आर अ रिसर्चर आपका क्या टेक है इसके लिए हमारे बिलीफ सिस्टम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओके okay. जैसे मैंने पहले भी बताया है तो अक्सर करके क्या होता है कि जिनको हम मासूम या भोले समझते हैं तो लोग भोले तो होते हैं डिप्रेशन वाले भावना वाले होते हैं जी बट क्या होता है कि वर्थ से या वैल्यू से इतना अटैच्ड होते हैं hmm. कि वही वो अटैचमेंट वो, वो उनके जीवन का इस अवस्था का कारण बन जाता है right. और अटैचमेंट जब मैं कह रहा हूँ तो मालूम क्या होता है उसमें तीन चार चीजें आती हैं जी कंपैरिजन क्योंकि वो बार बार कंपैरिजन और जो व्यक्ति कंपेयर करता है वो जज भी जरूर करेगा ये नियम hmm. है कंपैरिजन मतलब कंपैरिजन इज इनफैक्ट वन फॉर्म ऑफ जजमेंट राइट सो इंटरनली यू नो व्हाट दे आर डूइंग दे आर नॉट जजिंग अदर्स दे आर जजिंग दम सेल्फ और जितना ज्यादा हम अपने आप को जज करते हैं उस प्रकार के थॉट्स क्रिएट करते हैं तो जैसे हम थिंकिंग होगी वैसे क्या होगी फीलिंग होगी हमारी फीलिंग ऑफ जो बताते हैं कि वर्थलेसनेस वो और भी एक्सट्रीम होती जाती है True. और साथ में क्या होता है जब क्योंकि जैसे हम इस साइकिल में फंसते हैं तो पिछला ऐसे कुछ अनुभव रहते हैं जिसमें हमें वर्थलेस फील आया हुआ right. था वो सारे इवेंट कनेक्ट हो जाते हैं तो चीजें और एक्सट्रीम इतनी एक्सट्रीम हो जाती हैं कि लोगों को लगता है कि लोगों का चलना फिरना मुस्कुराना सब बंद हो जाता है right. ऐसा लगता है कि लाइफ निरस गई लाइफ में कोई चीज किसी काम की नहीं है राइट ब्रदर जब हम बात करते हैं अवेयरनेस की अवेयरनेस एक ऐसा शब्द है जो मैं कह सकती हूँ कि एक अंधेरे भरे रूम के अंदर में एक छोटा सा दिया का रूप है मैं मानती हूँ कि अंधेरा बहुत है मैं मानती हूँ कि ज़िंदगी निरस्त लग रही है मैं मानती हूँ कि इसके बाद क्या होगा पता नहीं शायद इसके बाद कुछ हो ही ना यही हमारा गोल बन जाता है डिप्रेशन में लेकिन वो दिया अगर मैं आपसे कहूँ तो वो दिया क्या होगा क्योंकि देखिए कितना भी हम यहाँ पे बातें कर लें जो व्यक्ति वहाँ बैठ कर के डिप्रेस्ड है और अगर हमें सुन रहे हैं या उनके कोई रिलेटिव हमें सुन रहे हैं जो उन्हें हेल्प कर सकते हैं उनके लिए शायद हमारा एक शब्द दिया का काम कर सकता है उस अंधेरे रूम में तो आपके हिसाब से क्योंकि आप स्पिरिचुअली भी बहुत इंक्लाइंड है तो आपके हिसाब से वो दिया कौन सा होता है उस डिप्रेशन के अंधेरे भरे रूम से बाहर निकालने के लिए देखिए हम अवेयरनेस की अगर बात करें बिल्कुल अवेयरनेस ही एक चीज, चीज है जो इसमें काम करती है जी डिप्रेशन में अगर वो केमिकल लेवल पे है तो ठीक है मेडिसिन काम करती जी. है बट अवेयरनेस का एक प्रश्न उठता है कि अवेयरनेस कौन करा रहा है हुँ. क्या गाइडेंस कोई दे रहा है राइट right. या कोई काउंसलर करा रहा है राइट right. तो लोग ने कई बार क्या होता है कि लोग इसको समझ नहीं पाते हैं जी. क्योंकि देखा गया है कि आ, लोग जब भी हम कहते हैं कि भाई आपको डिप्रेसिव फील हो रहा है तो देखिए अगर थोड़ी बहुत हल्की फुल्का है तो चलो कोई भी गाइडेंस दे देगा राइट right. लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि लोग ना काउंसलिंग का सपोर्ट नहीं लेते हैं राइट right. और ये दोनों का अंतर समझना भी बहुत ज़रूरी है राइट right. कि क्या होता है कि में देखिए एक बहुत ट्रेंड है कि कभी भी कुछ होता है तो फैमिली थेरेपिस्ट होते फेमिली थे right. तो लोग काउंसलर के पास जाने में हेजिटेट फील नहीं करते हैं right. लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे ही लोग साइकेट्रिस्ट का नाम सुनते हैं ना तो उनके माइंड में दो चीजें आती हैं और वो दो चीजें कौन सी होती हैं साइकेट्रिस्ट मतलब क्या मैं पागल हो गया हूँ कि मैं साइकेट्रि मेरा दिमाग खराब हो गया right. पहले तो माइंड में ही आता है right. और दूसरा सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे अरे तुम्हें इतनी हालत ख़राब हो गई कि तुम्हें साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ रहा है right. और दूसरा एक ये होता है कि साइकेट्रिस्ट ऐसे मेडिसिन देगा जो जिसे लगता है मुझे पूरी नींद ही आएगी उसके नींदी बहुत साइड इफेक्ट होगा तो ये दो फियर इतना ज़्यादा रहता है और साथ में ये भी सोचते हैं कि मुझे सब कुछ अपना ओपनली शेयर करना पड़ेगा right, right. पता नहीं साइकेट्रिस्ट मुझे क्या जज करेगा right, right. तो ती ये दो तीन फियर इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से डरते हैं।, हैं एक तो पहले right. गलती होती है और दूसरा एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि अपने दर्शकों को कि गाइडेंस में स्पिरिचुअल ज्ञान देना और काउंसलिंग करना उसमें अंतर होता है और दोनों का अपना अपना महत्व है तो जब व्यक्ति डिप्रेशन में है तो गाइडेंस से ज्यादा उसे काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है राइट right. अब क्या अंतर होता है मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि देखिए गाइडेंस जो होता है वन वे प्रोसेस होता है राइट right. कि मैंने ज्ञान दिया आपने सुना लेकिन काउंसलिंग टू वे प्रोसेस होता है राइट right. दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं उसमें इंटरेक्शन ज्यादा होता है काउंसलिंग में काउंसलर का फोकस क्या रहता है थिंकिंग के ऊपर फीलिंग के ऊपर बिहेवियर के ऊपर राइट जबकि गाइडेंस में हम क्या करते हैं लोगों को अध्यात्म से मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं राइट right. ये भी डिफरेंस होता है मैं एग्जाम्पल से इस बात को स्पष्ट करूंगा ताकि Please. हमारे दर्शक और अच्छे से sure. समझ पाए कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक आ, क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे ना मैं मैं उन उनपे बहुत डिपेंडेंट हूँ उनके बिना मुझे मैं रह नहीं पाऊंगा hmm. तो स्पिरिचुअल गाइडेंस वाला व्यक्ति क्या करेगा उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ ना कुछ उपदेश देगा या ज्ञान देगा राइट right. जो अच्छी चीज है लेकिन काउंसलर ऐसे नहीं करेगा काउंसलर hmm. एक फैसिलिटेशन प्रोसेस करेगा

लेकिन क्या होता है कि जब भी डिप्रेशन अगर ऐसा होता है तो हम केवल उसे ज्ञान सुना ये नहीं चलेगा right. उसे प्रॉपर काउंसलर के पास भेजना जरूरी है लेकिन यह ना सोचे कि व्यक्ति की अगर मैं केवल काउंसलर के पास ही जाऊँगा मुझे कोई आध्यात्मिक आवश्यकता नहीं है hmm. क्योंकि जैसे हम डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे तो आध्यात्म या गाइडेंस या ज्ञान हमारे जीवन को और भी श्रेष्ठ ऊंचाइयों पर ले जाएगा ब्यूटिफुल ब्रदर ब्रदर एक तरीके से मैं बताऊं तो आज का जो एपिसोड रहा है मेरे लिए बहुत रेवल्यूशन से भरा हुआ है आई एम श्योर मेरी ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा है आपसे जिसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि अवेयरनेस ये एक ऐसा टूल है जो कुछ भी करेंगे आप जिंदगी में अगर आप अवेयर है

दोस्तों आज के एपिसोड में आपने और मैंने बहुत कुछ सीखा है अगर आपको लगे कि कभी आप ऐसे फेज ऑफ लाइफ में हैं जहाँ पर आप हमसे बात करना चाहते हैं हम तक पहुँचना चाहते हैं या हमसे कोई सलाह लेना चाहते हैं तो आप ईमेल भी कर सकते हैं हमें आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में हम ज़रूर अपने एपिसोड्स में लेकर आएंगे उस टॉपिक पर जहाँ तक की बात डिप्रेशन की है अगर आप डिप्रेशन आपको फ़ील हो रहा है कि आप डिप्रेस फील कर रहे हैं तो साइकैट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट और काउंसिलर्स और साथ ही साथ स्परिचुअल पाथ इन चारों चीजों का कॉम्बिनेशन जहां पर जरूरी है उसका बैलेंस क्रिएट करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर का जो ये छोटा सा एक फेज है ना लाइफ का मैं प्रॉमिस करती हूँ हम सभी एक साथ मिलकर आपको उससे बाहर निकालेंगे इस बात के साथ आज के प्रोग्राम कॉमेंट करते हैं कल कर आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने शांति अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान